नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद सभी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ, उसके बाद बारी बारी से सभी मंत्री अब अपनी कुर्सी को संभालते दिख रहे हैं। आपने देखा, मंगल पांडे, रामसूरत राय और उसके बाद अब रामप्रीत पासवान ने अपनी कुर्सी संभाली है, जिसके बाद उन्होंने बड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि रामप्रीत पासवान ने कुर्सी संभालने के बाद ही अपने विभाग यानी कि पीएचईडी मंत्रालय के वो मंत्री बने हैं विभाग के, और ऐसे में उन्होंने सभी अधिकारियों और सभी उस विभाग के सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जरा सुनिए वो खुद क्या कह रहे हैं। मेरे विभाग के द्वारा किया जा रहा है और उसमें हम लोगों को अच्छी सफलता मिली है। हमारे सेक्रेटरी साहब अभी बताया है हमको, और अब जो शेष काम बाकी है उसको भी हम लोग करेंगे। जो भी हमारे पदाधिकारी इस काम में आनाकानी करते हैं, ठीक से प्रतिवेदन नहीं देते हैं, काम का अच्छा रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं, मैं ऐसे पदाधिकारी को नहीं बख्शूंगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अभी विगत बहुत लोगों पर कार्रवाई भी हुई है, 32 लोग सस्पेंड भी हुए हैं, कुछ लोगों को दंड भी हुआ है 31 को करीब। तो इस तरह से गलत प्रतिवेदन देने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हर घर को नल और जल पहुंचाना है हमको। जो मेरे जिम्मे काम है उसको मैं करूंगा, जो शेष रह गया जहां कहीं भी त्रुटि है मैं उसको भी करूंगा। मेरा विलम्ब सा है, हम ठीक करेंगे। यदि वो चौक है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, फिर उसको नया चापा कर देंगे, लेकिन जो खराब है विभाग से स्पष्ट है उसको संवेदक के द्वारा उसको ठीक कराया जाता है। सर, बहुत सारे काम जो अप टू मार्क नहीं हुए हैं लेकिन पेपर में हो गए हैं, क्या उसको लेकर के कुछ विशेष? यही मैं यही अभी समीक्षा कर रहा था। जो पेपर पर हो गया और शहर जमीन पर या ऐसे पदाधिकारी जो गलत प्रतिवेदन दिए हैं उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और उस काम को भी करेंगे। क्वालिटी को लेकर के ज़्यादा प्रश्न लगे हैं। क्वालिटी, ये संवेदक, जो संवेदक क्वालिटी अच्छा नहीं दिया है और यदि वो गड़बड़ है तो मैं इसको ठीक कराऊंगा। तो सुना आपने, रामप्रीत पासवान साफ ये कह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं कि हमारे विभाग में कोई भी लापरवाही अगर बरती गई तो समझ लीजिए कि आप पर कार्रवाई सुनिश्चित है। अगर इस सूरत में कोई भी अगर कार्रवाई की जद में आता है, चाहे वो विभाग का कर्मचारी हो या फिर अधिकारी हो, तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा, वो नप जाएगा। तो इस तरह से रामप्रीत पासवान ने अपनी कुर्सी संभालने के बाद से ही सभी को चेतावनी देते हुए कहा है कि मेरे विभाग में कोई भी लापरवाही ना बरतें और अगर कार्रवाई से बचना है तो यथासंभव ये कोशिश करें कि विभाग के सारे काम सहज तरीके से किए जाएं और कोई भी गोरख धंधा करने की कोशिश ना करें। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें हम आपको देंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।